हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रेनू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ओरियो कपकेक्स बनाने की रेसिपी। तो इसे मैंने आज बटरक्रीम फ्रोस्टिंग से डेकोरेट किया है इन कपकेक्स को, और आप देख सकते हैं मैंने सारे अलग अलग तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली बना के रेडी कर लिए हैं। तो बटरक्रीम फ्रोस्टिंग की रेसिपी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो ओरियो के पैकेट हैं, यहाँ पे मैं चॉकलेट ओरियो यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे इसकी जगह बर्बन या फिर कोई भी ट्रीट वगैरह, कोई भी क्रीम बिस्किट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका क्रीम जो है वो हम साइड में एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे ओरियो के क्रीम निकाल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे ओरियो को तैयार कर लिया। इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ओरियो का फाइन सा पाउडर बना लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक वीडियो मिस हो गया था। यहाँ पे हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। तो इसमें मैंने बस नॉर्मल दूध जो है उसको मिक्स कर लिया था ओरियो के पाउडर में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वीडियो मिस हो चुका है। बस आप इसमें दूध डाल के इस कंसिस्टेंसी में आप ओरियो के पाउडर को मिक्स कर लीजिए एक चम्मच चीनी डाल के। और ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर रहना चाहिए। तो इसमें आज हम यूज़ करेंगे इनो। तो यहाँ पे मैं आधा सैशेट इनो डाल रही हूँ। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे, 1 से 2 चम्मच जितना, ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। तो इसको हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनो डालने के बाद बैटर बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, आप कटोरी में भी बना सकते हैं। तो मैंने जो सूजी के कपकेक्स बनाए थे उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप कटोरी में कैसे बना सकते हैं। आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आपको इसे 3/4 ही इस बैटर को कपकेक के मोल्ड में डालना है। तो यहाँ पे मैं इसे प्री हीटेड ओवन में बेक कर रही हूँ 170 डिग्री सेल्सियस पे विद बोथ रॉड्स ऑन। और इसे हम 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और 15 मिनट्स में हमारे ओरियो कपकेक्स बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं, हम हमारे कपकेक्स को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कपकेक्स बनके बिल्कुल रेडी है। वाओ, ये देखिए, ये पूरे राइज हो चुके हैं। हमने इसे 3/4 फिल किया था। और एक बार इसे टूथपिक से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपकेक्स को ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लिया है। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने ये। वाओ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आज बटर क्रीम फ्रोस्टिंग से डेकोरेट कर लिया है अलग अलग तरीके से। कुछ मैंने ओरियो के क्रम्स डाल के डेकोरेट किए हैं, कुछ चेरी के साथ टॉपअप किया है, कुछ जेम्स के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे किस तरीके से डेकोरेट किया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए इसका एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये ओरियो कपकेक्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, थी ना बहुत ही इजी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हर कोई बना सकता है, और बच्चों को भी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं कपकेक्स वगैरह, केक्स या फिर चॉकोलावा केक्स वगैरह। तो आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए ये कपकेक्स बनाइए, और मुझे यकीन है कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये कपकेक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।